और लेग एक्सटेंशन देखो, मैं तो इसको बल्किंग फेज में कोई एक्सरसाइज मानता नहीं, ये कोई बहुत प्रोडक्टिव एक्सरसाइज नहीं साइज गेन के लिए। चाहे आप बल्किंग कर रहे हो, चाहे आप कटिंग कर रहे हो, लेग एक्सटेंशन तो आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है। इसको समझने के लिए हम लेग एक्सटेंशन को स्क्वाट से कंपेयर करते हैं। जब आप स्क्वाट लगाते हो और आप ऊपर वाली पोजीशन के अंदर होते हो तो आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती, पर लेग एक्सटेंशन के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप लेग एक्सटेंशन के अंदर फुल नी एक्सटेंशन के अंदर जाते हो, यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस मिलती है, और जब आप स्क्वाट लगाते हो आपका रेक्टस फेमोरस स्ट्रेन ही नहीं होता, क्योंकि जो आपका रेक्टस फेमोरस है वो आपके नी को भी क्रॉस करता है और आपके हिप को भी क्रॉस करता है। और जब आप नीचे जाते हो तो जो आपका रेक्टस फेमोरस है वो आपके नी के ऊपर लंबा हो जाता है और आपके हिप के ऊपर छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से रेक्टस फेमोरस की लेंथ ही नहीं चेंज होती। और इसके ऊपर हमारे पास रिसर्च भी है। तो लेग एक्सटेंशन तो आपके प्रोग्राम में होने ही चाहिए। स्क्वाट भी अच्छी एक्सरसाइज है और लेग एक्सटेंशन भी अच्छी एक्सरसाइज है।